So students, here is question number 156. Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circle of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be, options are RA is to RB, VA is to VB, RB is to RA and 1 is to 1. Look at कि कितनी देर लगती है हमको सवाल को समझने में लगाने में. ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं हम लोग. ये हो गया ए और बी हो गया, रेडियस आर ए और आर बी हो गई, ये वेलोसिटी वी ए हो गई, ये वेलोसिटी वी बी हो गई. अब हमसे कह रहे हैं यहाँ पे एक खास बात कि टी ए बराबर टी बी है और हमसे पूछा गया है ओमेगा का रेशियो. तो बच्चों यहाँ पे एक आपको जो हमने सर्कुलर मोशन पर जब पढ़ाते समय बताया भी था कि ओमेगा बराबर वी अपॉन आर है, लेकिन कभी भी ओमेगा को आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल न माने. ये गलत रिलेशन है. ओमेगा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे, दैट इज 2 पाई बाय कैपिटल डी. और इस वाले रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिया जाता है कि ये वी बराबर आर ओमेगा है एंड वी प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा और ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा. टाइम पीरियड दोनों का सेम है, इसलिए ओमेगा का रेशियो भी दोनों का जरूर हो जाएगा सेम. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1:1. करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो गया. ये इतनी देर सवाल को पढ़ने में लगना था और इतनी देर सवाल को सॉल्व करने में लगना था. आप खुद से जज कर लें कि क्या आपकी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है या नहीं. अगर नहीं चल रही है तो अभी भी बहुत सारे मौके हैं. मैंने हर चीज पे वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको थ्रू एंड थ्रू हो सकते हैं. और मैं आपको इस बात को दावा करता हूं कि अगर आपने सारे वीडियो पूरे आत्मसात किए हुए हैं तो आपको कम से कम 35 सवाल आपको नीट में मिलने जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट.